आज देखता हूँ ये रिंग का रेंडरिंग लुक कैसे आता है। तो सबसे पहले जो येलो कलर है इसको येलो गोल्ड का लुक देता हूँ। यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कलर में यहाँ से कलर सेट कर लेता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो है उसमें से रेंडरिंग का जो कलर है वो बराबर नहीं आता है, तो इसको अपडेट कर लेता हूँ। अभी प्रॉन्ग का जो कलर रखा उसको व्हाइट व्हाइट कर लेता हूँ। अभी जो व्हाइट गोल्ड कलर ये जो सेकंड वाला है इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपडेट करता हूँ। इसको डायमंड कलर के लिए इधर आऊंगा, डायमंड अभी यहाँ जो डायमंड का जो है ये जो डायमंड है ये नहीं लूंगा मैं, कुछ दूसरा लूंगा। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जो बड़ा साइज का जो कलर स्टोन है और दूसरा कलर कर लेता हूँ। अभी ग्राउंड फ्लेस को ले लेता हूँ। अभी रेंडर स्टार्ट करता हूँ।
रेंडरिंग कंप्लीट हो गया। अभी जो येलो कलर जो है ये मैंने सेटिंग करवा लिया, अगर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग था वही ले लेता तो ये वाला कलर नहीं आता। अभी ये येलो को वाइट करने के लिए भी दिखा देता हूँ कैसे वाइट करना है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसी को ही सीधा ये सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, अपडेट करूँगा। फिर रेंडर में डाल देता हूँ। व्हाइट गोल्ड का भी कंप्लीट हो गया। अभी इसी को रोज गोल्ड में करता हूँ। येलो कलर सिलेक्ट कर लिया, रोज गोल्ड चूज कर लिया। यहाँ से ये लास्ट वाला, लास्ट सेकेंड वाला नहीं तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ता है कलर को। यहाँ सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको अपडेट करता हूँ। हो गया। अभी देखता हूँ रोज गोल्ड कलर कैसे आता है।
हो गया कंप्लीट, इसको सेव कर लेता हूँ।